हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे फिकर मत करो बेटा। अरे ऐसे कैसे छूट जाएगी ट्रेन, मैं पहुंच जाऊंगा, रिलैक्स। ऑफ कोर्स बेटा। अरे आज हमारी बेटी का इतना बड़ा फंक्शन है, हमारी बेटी को पुरस्कार मिलने जा रहा है, हम लेट कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, ओके। अच्छा मम्मी कहाँ? अच्छा सुनो, कोई आया है, मैं स्टेशन पहुंच कर फोन करता हूँ, ओके। या सी यू सून बेटा। इस वक्त कौन है? हाय सर, मिस्टर पवन कुमार जी। सर आपके नाम का पार्सल है। पार्सल? जी सर। लेकिन भाई मैंने तो कुछ मंगाया नहीं। सर नाम आपका है और एड्रेस भी यही है सर। लेट मी सी। सर सिग्नेचर। थैंक यू सर। थैंक यू। पता नहीं कौन है ये, इसने भेजा होगा। ये क्या हो रहा है सर? सर आप सीआईडी ऑफिसर अभिजीत है ना सर? आपके घर के बाहर ये लाश मिली है, आप क्या जानते हैं सर इसके बारे में? सर ये लाश है किसकी? सर आखिर आपके घर के बाहर ये लाश आई कैसे सर? एक मिनट सर, आपको इसके बारे में पहले से कुछ पता था? अरे आप लोग पीछे हटिए, ये क्राइम सीन है। आप क्या, एक मिनट, आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे हटिए प्लीज। देखिए मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन आपको पता कैसे चला यहाँ पे लाश है? आप लोग इतनी जल्दी आ गए? सर हमें एक गुमनाम कॉल आया था और उसने लोकेशन बताई थी, उसने कहा कि सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के घर के बाहर लाश है। गुमनाम कॉल? जी सर। सर पर ये है कौन सर? कुछ तो बताइए। प्लीज मैं आपको सब बताऊंगा प्लीज। हेलो एसीपी साहब, सर मेरे घर के बाहर एक लाश मिली है सर। बॉस
उस आदमी की मौत सर पर वार करने की वजह से हुई। खून बहुत ज्यादा बह गया, लेकिन लाश ज्यादा पुरानी नहीं। मैंने उसकी मौत कुछ घंटों पहले ही हुई। हाँ सवेरे 7 से 10 बजे के बीच। लेकिन जिस जगह से लाश मिली है बॉस, वहां पर जरा भी खून नहीं है। मतलब खून कहीं और हुआ और फिर खूनी ने लाश को तुम्हारे घर के वहां लाके छोड़ दिया। काहे कौन हो कुछ पता चला? सर इसका नाम पवन है। ये एक हाईफाई होटल में बारटेंडर था। इसकी बीवी और बच्चे नागपुर में रहते हैं। तो वो भी आज वहीं जाने वाला था सर। इसकी बेटी को अवार्ड मिलने वाला था बेस्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्या बीती होगी बेचारे पत्नी पर और बच्ची पर। लगता है ये खून बदला लेने के लिए किया गया। दांत का क्या चक्कर है? मुझे पता है सर, ये पवन, मैं जानता हूं सर इसे। ये मेरा बहुत पुराना खास खबरी था। क्या आया? इसने बहुत इंफॉर्मेशन दी थी मुझे। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ा था सर। तो फिर ये दांत चढ़ाने के लिए, इसका मजाक उड़ाने के लिए, ये जताने के लिए कि इसे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए था। तो फिर बात पक्की है कि इसे बदला लेने के लिए मारा गया है। जिन लोगों को इस पवन ने गिरफ्तार करवाया होगा, उन्हीं में से किसी ने उसकी जान ले ली। लेकिन सर ये पवन अभिजीत सर का इन्फॉर्मर है, ये बात किसी को पता कैसे चली? हाँ मतलब सीआईडी में भी हमारे एक दूसरे के इन्फॉर्मर कौन है हम नहीं जानते। तो फिर उस खूनी को कैसे पता चला कि ये पवन एक इन्फॉर्मर है? सिर्फ खूनी को नहीं सर, पूरे देश को पता चल गया सर। ये देखिए, ताजा जानकारी के मुताबिक पेशे से वेटर पवन कुमार दरअसल सीआईडी का खबरी भी था। आज सुबह पवन कुमार की लाश सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के घर के बाहर मिली थी। उसकी हत्या के पीछे उन लोगों का हाथ होने की संभावना है जिनको उसी की मदद से सीआईडी ने गिरफ्तार किया था। ये खबर मीडिया तक पहुंची कैसे? सर जो घर के बाहर रिपोर्टर्स थे उन्होंने बताया कि किसी अनजान शख्स ने खबर दी है। नहीं सर, ये अनजान शख्स कोई और नहीं, कातिल खुद है। उसने ये सब हमें दुनिया के सामने नीचा दिखाने के लिए किया। क्या सीआईडी इस बात का पता लगा पाएगी? बंद करो यार। जानने के लिए देख। सब मेरी वजह से हुआ है। पवन की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी वजह से जान गई उसकी। देखो अभी जी, जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन एक बात तो पक्की है, जिसने भी ये किया है ना उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अभिजीत उससे तुम्हारी आखिरी बार बात कभी हुई थी? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता था और उसी वजह से वो मारा गया? पिछले हफ्ते ही मिला था मैं उससे, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। ये कुछ और ही चक्कर है। जब मरने से पहले पवन ने तुम्हें कुछ लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी ना, कुछ याद है उसके बारे में? पूरा रिकॉर्ड है सर मेरे पास। ये पवन मेरे लिए 3 साल से काम कर रहा था और इन 3 सालों में मैंने उसकी मदद से 5 मुजरिमों को पकड़ा है। तो ये कोई ऐसा आदमी है जो पवन से बदला लेना चाहता था और अभिजीत को चैलेंज कर रहा है पवन? हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उन 5 लोगों में से कोई एक हो जिसने पवन का खून किया है। ये सुनील इंडिया में नहीं है सर, बाकी चारों यहीं हैं, सुमित, विक्रम, तारा और ये रमेश। हेलो सर, मेरा नाम अजय है। बताइए आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? रमेश, नाम को बदल लिया सर, उधर चल के बात करें प्लीज। ड्रग्स के केस में अंदर गया था ना? कब छूटा जेल से? सर मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने वो सब काम छोड़ दिया है। अब मैं कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता सर, सच्ची। अच्छा तो फिर तुमने उसे क्यों मारा? उसे किसे सर? मैंने किसी को नहीं मारा। पवन को इसने जेल भिजवाया था ना, मार दिया इसको? नहीं सर, मैंने इसे नहीं मारा। मैं तो अभी कुछ ही महीने पहले जेल से छूटा हूँ और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे दोबारा जेल जाना पड़े। साहब बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है, अगर बॉस को मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया ना तो मुझे नौकरी से वो निकाल देगा। प्लीज सर। तो तुमने इसे नहीं मारा? नहीं सर। आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कहाँ था तुम? यही था सर, मेरी आज सुबह की शिफ्ट थी। सच बोलना? सच सर,
अब चाहो तो स्टाफ में से किसी से भी पूछ लो, मैंने किसी को नहीं मारा। आप गलत इंसान पर शक कर रहे हो साहब। ठीक है, अभी तेरी बात मान लेते हैं, मगर याद रखना हमारी नजर रहेगी तुम पे। सब कुछ था मेरे पास, घर, परिवार, करियर, एक अच्छी खासी कस्टम ऑफिसर की जॉब थी, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हुआ नहीं, तुमने अपने हाथों से खत्म किया तारा। अगर तुम अपनी जॉब का फायदा उठा के स्मगलर्स का साथ नहीं देती तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। कोई शौक नहीं था मुझे ये सब करने का, कोई ऑप्शन नहीं बचा था मेरे पास। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और पैसों की जरूरत थी, और उसी वक्त मुझे ये ऑफर मिला, मैं क्या करती? आप प्लीज बैठ जाइए। पर देखो ना, बीमारी ने नहीं, मेरे सदमे ने पापा की जान ले ली। फैमिली ने भी मुझे दोषी बनाकर मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब कुछ नहीं बचा, ना तो मेरा कोई अपना है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो भला मैं कैसे आपके इन्फॉर्मर को मरवा सकती हूँ? और वैसे भी मैं पहले से ही अपनी एक गलती की सजा भुगत रही हूँ, अब कोई दूसरी गलती नहीं करना चाहती मैं। देखिए आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। पवन का खून तुमने करवाया ना, अब तुम खुद बताओगे या हम उगलवाएं? कौन पवन, वो खबरी? मैं तो तुम लोगों को बहुत होशियार समझता था। देख रहे हो ना मेरा हाल, मैं यहाँ जेल में हूँ, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। इजाजत तुम किसी और को देना, समझा? तुम्हारे काले कारनामों से जो तुमने पैसे कमाए हैं उसे जेल के बाहर क्या क्या कर सकते हो हम सब जानते हैं। बोल, पवन की सुपारी किसको दी? क्या बात कर रहे हो तुम, लगता है आजकल फिल्में ज्यादा देखते हो। मेरा हाल देख रहे हो ना, यहाँ ना मेरे पास फोन है और ना ही कोई मिलने जुलने वाला, फिर कैसे मैं किसी की सुपारी दे सकता हूँ? हाँ, इज्जत देने के लिए मुझे शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा गैंगस्टर हूँ कि यहाँ बैठे बैठे किसी का भी बाहर गेम बजवा सकता हूँ? तो उसके लिए भी थैंक यू। तुम्हें सब मजाक लग रहा है, तुम्हारा इसमें हाथ है या नहीं वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा इसमें हाथ है तो जो तुम्हारा हाल है ना उससे भी बुरा हाल करूंगा मैं तुम्हारा। देखो, उस पवन खबरी का खून मैंने नहीं करवाया, लेकिन हाँ जिसने भी किया है ना बहुत अच्छा किया, और वो यहीं रुकने वाला नहीं है, एक एक करके सब मारे जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। हेलो। अरे बाबू, मुझे पता तुम पवन की खबर सुनकर डर गई हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। अरे न्यूज वाले बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और वैसे भी मेरे बारे में सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, तुम और दूसरे अभिजीत सर, तीसरा कोई नहीं जानता कि मैं अभिजीत सर का खबरी हूँ। मैं मिल रहा हूँ ना उनसे कल। हाँ, एक नई खबर भी हाथ लगी है। अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ, ठीक है? ओके बाय।
एक और इन्फॉर्मर अजीत की मौत हो चुकी है। आखिर ये है कौन जो एक एक करके सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के सारे इन्फॉर्मर्स को मार रहा है? आखिर इसके पीछे का राज है क्या? सर, एक और हमें पता चलेगा कि जो आपका खबरी था। सर, एक के बाद एक खबरियों का कत्ल हो रहा है, आखिर ये इन्फॉर्मेशन लीक कहां से हो रही है सर? सर, क्या कोई सुराग मिला है सर आपको? सर, और कितने लोगों की जान जाएगी सर? सीआईडी आखिर कर क्या रही है? गला घोट के मारा है सर। इनकी नई नई शादी हुई थी सर, उसके बेसहारा बीवी से कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आप हैं इंस्पेक्टर अभिजीत? मेरे अजीत के अभिजीत सर, कितना भरोसा करते थे वो आप पर, और आपने उनका इस्तेमाल किया, उनको धोखा दिया है। आपने तो उनकी हिफाजत करने का भरोसा दिया था ना? क्या हुआ उस भरोसे का? कितने पैसों में बेचा आपने उसको? बोलिए, जवाब दीजिए, कितने पैसे मिले आपको आपका ईमान आपका जमीन बेचने के लिए? बोलिए। मैम प्लीज, बस कीजिए मैम, आपको पता है किसके बारे में बोल रही हैं? आपने मारा मेरे अजीत को, खूनी है आप, खूनी है आप। मैम प्लीज, सुन रहे हैं, खूनी है आप, प्लीज, खूनी है आप, आपने मेरे अजीत को मारा है, खूनी है आप। तो ये थी इन्फॉर्मर अजीत की वाइफ, जिनके आंसू चीख चीख कर सीआईडी ऑफिसर अभिजीत से सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये क्या कोई तमाशा चल रहा है? क्राइम सीन है ये, आप लोग यहाँ से जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए बाहर जाइए। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो सर। सही कह रहे हैं वो, मेरी वजह से मरे हैं दोनों। ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? तुमने कुछ नहीं किया, क्या किया तुमने? सर, कुछ कर ही तो नहीं पाया मैं, ये दोनों मेरे इन्फॉर्मर्स थे, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी, और मैं फेल हो गया सर। पता नहीं किसी को कैसे इनके बारे में पता चला। यही तो पता लगाना है अभिजीत, ये जो दो लोग जिनकी मौत हुई है, ये दोनों तुम्हारे इन्फॉर्मर्स थे, और ये कोई इत्तफाक तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। हम अगर कहां से? ये दोनों एक दूसरे को भी नहीं जानते थे सर। इनके बारे में अगर किसी को पता था तो सिर्फ मुझे, मेरे अलावा कोई नहीं जानता था इन्हें। और उसके बाद में कातिल को पता चल गया। पर कैसे पता चल गया कातिल को? अब जब ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी उन दोनों का संबंध था सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे, तो कातिल को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अलावा और कौन दे सकता है? सर, आपको लगता है कि... नहीं 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 अभिजीत, ये मैं नहीं कहना चाहता। तुम याद करके बताओ, तुमने ये सारी इन्फॉर्मेशन इन खबरियों के बारे में कहाँ रखी थी? घर में, कंप्यूटर में, अपने फोन में, ऑफिस में, कहीं तो रखी होगी ना? सर, मैंने बहुत संभाल के रखी है वो मेरे पर्सनल लैपटॉप में है सर, मेरे घर में है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता सर। तो फिर अभिजीत, हमें तुम्हारे घर पर जाना होगा, पता तो लगना चाहिए ये लीक हुई कैसे, कहां से इंफॉर्मेशन। सर, जी लगता है तुम्हारे गैर हाजिरी में कोई तो यहाँ पे आया है और तुम्हारे लैपटॉप से डेटा चुरा लिया। पर आजकल ये पासवर्ड क्रैक करने में कितना वक्त लगता है? अरे यार, पासवर्ड की तो बात ही नहीं है, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये फेस रिकॉग्निशन डिवाइस, मेरे अलावा कोई इस लैपटॉप को खोल ही नहीं सकता। सर, लेकिन कंप्यूटर से डेटा चुराने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत? कंप्यूटर को हैक भी तो किया जा सकता है ना? हो सकता है, लेकिन इस लैपटॉप को नहीं, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर गई कैसे? सर, देखते हैं। सर, आपके कंप्यूटर को रिमोट एक्सेस किया गया। अरे लेकिन कैसे? इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कैसे? सर, ये देखिए, ये फाइल 2 हफ्ते पहले खोली गई, डेट देखिए। अरे इस डेट को तो हम लोग मुंबई में थे ही नहीं, बाहर थे, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है सर। आपने कोई नया सॉफ्टवेयर कॉपी या इंस्टॉल किया है ये 2-3 हफ्ते पहले? उसकी कोई जरूरत नहीं है पूर्वी, तुमको पता है मैंने इस लैपटॉप में सिर्फ केस से जुड़े हुए दस्तावेज रखे हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं। हाँ, कभी कभार पेन ड्राइव की जरूरत होती है ट्रांसफर करने के लिए डेटा वगैरह,
सर पेन ड्राइव? हाँ सर, वो पेन ड्राइव दिखाएंगे आप? सर सर पता चल गया कि असल में हुआ क्या था। क्या, कैसे हुआ? सर सब कुछ इस पेन ड्राइव की वजह से हुआ। इस पेन ड्राइव की वजह से? हाँ सर। सर ये पेन ड्राइव नहीं, एक स्मार्ट डिवाइस है। ये देखिए सर, आपने कहा था कि आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही आपने ये पेन ड्राइव अपने लैपटॉप से लगाया, आपका लैपटॉप एक अनजान नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, जैसे वाईफाई डोंगल होता। और फिर सर ये एक प्रॉक्सी नेटवर्क है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे शख्स को आपके लैपटॉप का एक्सेस दे देगा। जैसे सर कोई कंप्यूटर रिपेयर करने वाला है और आपका कंप्यूटर खराब, तो बिना आपके कंप्यूटर के पास बैठे रिमोटली कहीं से भी एक्सेस करके आपका कंप्यूटर ठीक कर सकता है सर। एग्जैक्टली सर, किसी ने इस पेन ड्राइव के जरिए आपके लैपटॉप को एक्सेस किया और इन्फॉर्मर्स वाली फाइल्स चुरा ली। तो ऐसा प्लान था, कातिल ने पेन ड्राइव तुम्हारे आसपास प्लांट कर दिया। तुम्हें कुछ याद है ये पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ मिली थी? ये तो मैंने ऑनलाइन खरीदी थी, एक अच्छा सस्ता ऑफर था इसलिए वो मेरे मेल पे आया था। ये मेल आया था सर। ये तो कोई शॉपिंग वेबसाइट है। हाँ अच्छी खासी एस्टेब्लिश वेबसाइट है, डिस्काउंट दे रहे थे इसलिए मैंने 2-3 पेन ड्राइव मंगा ली। सर ये वेबसाइट तो नकली है। हा? सर ये वेबसाइट तो फर्जी है। सर आपके साथ साइबर फिशिंग हुई है। सर ये देखिए, ये दोनों वेबसाइट्स कोई फर्क नहीं, लेकिन ये वाली वेबसाइट इस वेबसाइट की कॉपी है। थोड़े बहुत कोड्स अलग हैं, कोई एक बार देखे तो समझ में नहीं आएगा। सर ऐसे वेबसाइट्स के जरिए हैकर्स लोगों के अकाउंट से पैसे गायब करते हैं। सर बहुत सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ऐसे साइबर क्राइम्स में लगे। इसका मतलब मुझे जो मेल आया, मैंने इस लिंक पे क्लिक किया तो मैं इस नकली साइट पे चला गया। हाँ सर। इस तरीके से ये पेन ड्राइव प्लांट किया गया था। ये मामला जितना सादा दिखता उतना सादा नहीं है, बड़ा खतरनाक मामला ही है। अभिजीत, तुम्हारे कंप्यूटर में से ये जो भी कोई कर रहा है ना, वो इन्फॉर्मर्स की पूरी डिटेल निकाल सकता है और फिर उनके साथ कुछ भी कर सकता है। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, पता नहीं अगला शिकार किसका होगा। हाँ रवि। हाय सर, ये रही डिटेल्स। खबर पक्की है? पक्की खबर है सर, मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती है सर। सर बहुत डेंजरस लोग हैं। वो देख लेंगे, तुम ये रखो। थैंक यू सर। निकलो, संभाल के। बाय सर। सर कल रात को ड्रग्स की बहुत बड़ी तस्करी होने वाली है सर, और ये दो नए चेहरे हैं जो सामने आए। ठीक है, तुम निकलो, मैं मिलता हूँ। ठीक है सर। रवि और कुणाल, सर इन दोनों की मदद से मैंने काफी बड़े बड़े केसेस सुलझाए हैं, ऐसे केसेस जिनमें काफी खतरनाक लोग शामिल थे। फिर अभिजीत, हमें कैसे भी करके उन लोगों तक पहुंचना पड़ेगा इससे पहले कि कातिल उन तक पहुंच पाए। पूनम। हाय कुणाल, कहाँ हो तुम? कितने फोन किए तुम्हें, मैसेजेस भी किए, एक का भी रिप्लाई नहीं किया तुमने। मैं बाहर गया था काम से, और तुम तो जानती हो ना, जब काम से बाहर जाता हूँ तो फोन यूज नहीं करता। तुम और तुम्हारा काम, पता नहीं क्या काम करते हो तुम, हफ्तों गायब हो जाते हो। अच्छा अभी वो सब छोड़ो ना, अभी तो आ गया हूँ ना तुम्हारे पास, तो कुछ अच्छी बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? अभिजीत सर, मैं एक सेकंड आता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। मैं ये अखबार देख सकता हूँ? श्योर। एक और खबरी की हत्या। सूत्रों के मुताबिक मरने वाले युवक अजीत भाई सीआईडी के सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत के व्यक्तिगत खबरी थे। एक हफ्ते में ये इस तरह की दूसरी हत्या है। इससे पहले पवन नाम के एक और खबरी की भी हत्या हो चुकी है। इंस्पेक्टर अभिजीत पे अपने खबरियों की जानकारी लीक करने के आरोप लग रहे हैं। इंस्पेक्टर अभिजीत के अन्य खबरियों की जान भी खतरे में हो सकती है। हे भगवान,
ये नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता? ये खबर, आई नो कितनी गलत बात है ना, जो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए काम करते हैं उनकी ही जान का सौदा। इंस्पेक्टर अभिजीत ऐसा कैसे कर सकते हैं? कुणाल क्या हुआ तुम्हें, कहाँ खो गए तुम? कुणाल आर यू ओके? अच्छा सुनो, मुझे ना जाना होगा। जाना है? कहाँ जाना है? अभी तो आए हो, अभी कहाँ जाना है? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, ठीक है? मैं बताऊंगा। रिक्शा, अभिजीत सर, सर अच्छा आप आ गए सर, वो मुझे मार देगा सर, वो मुझे मार देंगे सर। कुणाल शांत हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है, समझे? हमारे रहते कोई कुछ नहीं कर सकता, घबराओ मत। कुणाल हम तुम्हें सेफ हाउस में ले जाएंगे, वहाँ कोई तुम तक नहीं पहुँच सकता, समझे? सर रवि की फोन की लोकेशन यहीं बताएं। यहाँ होना चाहिए लेकिन दिख तो नहीं रहा। रवि, 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 रवि कहाँ हो तुम, कहाँ भाग रहे हो? मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? आपको क्या लगा था कि आप मुझे ढूंढ लेंगे? इतना आसान नहीं है सर। रवि देखो, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा है रवि, लेकिन मुझसे नहीं, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, मैं तुम्हें सेफ हाउस लेके जाऊंगा, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा, समझे? रवि, रवि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, भरोसा करो हम पर। भरोसा? उन दो लोगों ने भी आप पर भरोसा किया था, लेकिन उन्हें क्या मिली? मौत। देखिए सर, मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत कीमती है, मेरे पीछे मेरा परिवार है, मुझे इतना जल्दी नहीं मरना, मेरी जान को बख्श दीजिए सर, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे मुझे जाने दीजिए सर, मुझे ढूंढना बंद कीजिए। रवि 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 बात को समझने की कोशिश। नहीं सर, मैंने कहा ना नहीं। पहले आप पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, एक बार गलती कर ली, दूसरी बार नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता था कि आप बिक चुके हैं सर, मुझे प्लीज, मुझे प्लीज ढूंढना बंद कीजिए सर। रवि कहाँ हो तुम, तुम्हारी जान को खतरा है, समझो तुम। बाय सर। रवि, रवि नहीं मारेगा ये, नहीं समझेगा, किसी भी हालत में ढूंढना पड़ेगा इसे। चार में सिर्फ तीन इन्फॉर्मर्स तो सेफ हाउस में पहुंच गए, ये रवि सिर्फ बाहर है ना। सर इन दोनों की टिप से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन सबकी लिस्ट आ गई है। कोई इनमें आईटी या कंप्यूटर एक्सपर्ट? नहीं सर, ऐसे तो कोई नहीं है, लेकिन ये विक्रम, उसे तुम जेल में मिले थे, क्यों, क्या हुआ? सर हर हफ्ते इसकी बीवी जेल में इसे फोन करती है, और पिछले शुक्रवार को भी इसकी बीवी ने इसे जेल में फोन किया था। पूरी इससे इससे प्रूफ क्या होता है? सर मैंने और फ्रेडी सर ने पता किया है कि हॉस्पिटल में थी उनकी वाइफ फ्राइडे को, लेकिन उन्होंने किसी को फोन नहीं किया। फैंटास्टिक, गजब का काम किया तुम दोनों ने, अब पता लगाएंगे।
कि विक्रम को अगर उसकी बीवी ने फोन नहीं किया तो फिर किसने किया, और ये अब बताएगा विक्रम ही। हमें सब पता है, वो शुक्रवार को तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसने कॉल नहीं किया तुम्हें, तो उस दिन उसके नाम से जो कॉल आया था तुम्हें, वो फोन किसने किया था? मैं कह चुका हूं ना तुम्हारे को कि मैंने कुछ नहीं किया, फिर बार बार क्यों चले आते हो मेरा और अपना वक्त बर्बाद करने के लिए? वक्त हम नहीं तुम बर्बाद कर रहे हो हमारा, समझा? और ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सीधे सीधे बताओ, क्या जानते हो इन हत्याओं के बारे में? हाँ बताओ, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया ना। देख अभी तक तो तू सिर्फ जेल में खा पी रहा है, घूम फिर रहा है, अगर सच सच नहीं बताएगा तो यहां से सीधा काल कोठरी जाएगा। काल कोठरी समझता है ना, और चीजों को तो छोड़ दे, रोशनी को तरस जाएगा। तो आखिरी मौका है तेरे पास, सच सच बता दे, वरना मैं तेरा काल कोठरी जाने का बंदोबस्त करूं। फोन, एक फोन आया था, मैं नहीं जानता उस आदमी को, उसने तो मुझे फोन पर एक डील ऑफर की थी। कैसी डील? डील ये थी कि मुझे जिसने जेल में भिजवाया, जिसने मेरी मुखबरी की थी, उसने बोला कि अगर मैं उसको 3 करोड़ रुपया दूंगा तो वो उसको मार देगा। तो तुमने क्या कहा? सब सच बोलूं, मुझे उसकी बात पे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैंने उसको मना कर दिया। फिर उसने मुझको बोला कि और भी कई लोग हैं जो उससे बदला लेना चाहते हैं, वो उसको मारने की मुंह मांगी कीमत देंगे, और मुझे ये भी बोला उसने कि मैं न्यूज में देख लूं कि वो सच बोल रहा है। फिर जब मैंने न्यूज सुनी तो, पर सर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं उसका नाम नहीं जानता और ना ही फिर उसका कभी मुझे फोन आया, मुझको जो कुछ मालूम था सब आप लोगों को बता दिया, सच कह रहा हूं सर। ठीक है, इसका मतलब है उसने ऐसे और भी लोगों को कांटेक्ट किया होगा, बहुत बड़ा गेम खेला है, अपराधियों से पैसा कमाने का जरिया बना रखा है। सर आपके बाकी खबरियों की भी जान खतरे में, और हमें खूनी के बारे में कुछ पता ही नहीं। 3 करोड़, इसकी मांग बहुत ऊंची है, और ऐसे वो हर किसी को फोन नहीं करेगा, ये उसी को फोन करेगा जो उसकी मांग पूरी कर सके। ठीक कह रहे होते हैं, पता करता हूँ अपने लिस्ट में कितने लोग हैं जो 3 करोड़ रुपए खर्चा कर सके। ये शिकार हो सकता है, पिछले हफ्ते इसको फोन आया था, इसको कुणाल ने अंदर करवाया था, और इसके पास देने के लिए पैसे भी हैं। अपना बदला पूरा होने का इंतजार कर रहे हो क्या? कुणाल की सुपारी दे दी फोनी को, अब उसकी मौत की खबर का इंतजार कर रहे हो? कि क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मैं किसी कुणाल को नहीं जानता और ना ही मैंने किसी को किसी की सुपारी दी। तो पिछले हफ्ते फोन तुम्हारे चाचा का आया था? हाँ आया था। तो नहीं, तुम्हारे चाचा जी इस दुनिया में तो है नहीं, तो कहाँ से कॉल आया था? स्वर्ग से या नर्क से? ए, सुनो, तुम अभी फंस चुके हो, भलाई इसी में होगी कि सब सच सच जल्दी बोलो। अच्छा तो जाओ, पहले मेरे लॉयर को बुला के लाओ, उसके आने से पहले ना मैं कुछ नहीं बोलने वाला, उससे कुछ भी पूछताछ करनी है उसके आने के बाद ही करो, जाओ बुला के लाओ पहले से। ठीक है, अगर यही ऑप्शन है तो फिर यही सही। ये कहां लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? हमने तो तुमको बोलने का मौका दिया था, लेकिन तुम तो वकील बुला रहे थे। अब तुम्हारे साथ क्या होगा किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे वकील को भी नहीं। ये गलत कर रहे हैं आप लोग, सीआईडी ऐसा नहीं कर सकती है। बात सही कह रहे हो, सीआईडी ऐसा नहीं कर सकती, सीआईडी कभी गलत काम नहीं करती। हम तो लोगों को ये कहने वाले हैं कि तुमने हम पे हमला करने की कोशिश की और हमने अपने बचाव में तुम्हें गोली मार दी। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करो सर। आराम से पंकज। सर कोई अच्छी जगह पे गाड़ी रोको। सर चल बाहर निकल। नहीं सर, सर प्लीज मुझे मत मारिए सर, प्लीज चल भाग जा, भाग नहीं सर, प्लीज सर, भाग प्लीज
नहीं सर प्लीज भाग भाग नहीं सर प्लीज 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 सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर अबे भाग सर मैं बता दो सर 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 सब कुछ बता दो सर सब कुछ बता दो सर सर आप तो सही कह रहे सर मुझे कातिल का फोन आया था सर कुणाल को मारने की सुपारी मैंने ही दी थी सर हेलो शिखर हाँ कौन शिखर मैं कौन हूँ ये जानने की तुझे जरूरत नहीं है तेरे लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि जिसकी वजह से तू जेल गया है मैं उसे जानता हूँ और उसको मैं जान से भी मार सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए कितना पैसा चाहिए तुझे पूरे 3 करोड़ ठीक है आधा पैसा मैं तेरे अकाउंट में डलवा देता हूँ और बाकी का आधा पैसा काम पूरा हो जाने के बाद लेकिन हाँ ज्यादा होशियारी मत करना नहीं तो तू मुझे जानता है ना कि मैं कौन हूँ शिखर मैं वादे का पक्का हूँ तुम्हारा काम समझो हो गया चल रखता हूँ अभी सुन ये रख किसी को बोलना मत सर मैंने अपनी बीवी की मदद से सर उसके अकाउंट में आधे पैसे डलवा दिए थे सर और बाकी का आधा पैसा काम होने के बाद डलवाने वाला था सर लेकिन अभी तक तो कुणाल को कुछ नहीं हुआ है सर कुणाल की जान खतरे में है सर सर एक सवाल सर सर प्लीज बताइए इस केस में किसी तरह की प्रोग्रेस हुई है क्या सर बताइए सर प्लीज सर सीआईडी पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं सर पूरा देश जानना चाहता है ये इन्वेस्टिगेशन जारी है सब पता चल जाएगा एक्सक्यूज मी एक सेकंड या सर हाँ सर सर एक बहुत बुरी खबर है सर क्या सर हमारे सेफ हाउस में वो कुणाल था ना सर वो भाग गया सर व्हाट कैसे भाग गया वो तुम्हें पता है उसकी जान को खतरा है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला सर आई डोंट केयर ढूंढो उसे किसी भी हालत में इससे पहले कि खूनी उस तक पहुंच जाए ढूंढो सर यस नाउ दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज एक के बाद एक हो रही सीआईडी इन्फॉर्मर्स की हत्याओं का रहस्य सुलझाने में सीआईडी पहले से नाकाम थी और अभी अभी एक खबर आ रही है कि कुणाल नाम का सीआईडी का एक और खबरी जिसकी सुरक्षा का जिम्मा सीआईडी ने लिया था वो लापता है सीआईडी ने कुणाल को जिस सुरक्षित ठिकाने पर रखा था वहां से कुणाल गायब हो गया क्या सीआईडी कुणाल तक पहुंचने और उसे बचाने में कामयाब हो पाएगी गायब होने की खबर हमने जानबूझकर मीडिया में फैलाई हमें मालूम था कातिल ने इसकी सुपारी ली है इसको मारने के लिए कुछ भी करेगा वही हुआ मीडिया ने खबर फैलाई और तुम सुनते सुनते यहाँ आ गए तुम यहाँ खुद नहीं आए लाए गए हमें पता था कि तुम्हारे पास इन्फॉर्मर्स की लिस्ट है और उसमें कुणाल का भी नाम तुम कंप्यूटर्स के मामले में तो होशियार हुई तुमने कुणाल का नंबर ट्रैक किया और यहाँ तक आ गए क्यों किया रवि ऐसा तुमने मैंने तुम पे भरोसा किया था क्या बिगाड़ा था इन लोगों ने तुम्हारा क्यों मार रहे हो इनको आपके इन्फॉर्मर पवन की वजह से उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी उसी की वजह से मेरी मंगेतर तारा गिरफ्तार हुई मैं उससे बदला लेना चाहता था लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था
कि तारा की इंफॉर्मेशन किसने लीक की। मैं कैसे भी उन खबरियों तक पहुंचना चाहता था, बस फिर क्या था, मैंने एक प्लान बनाया कि अगर मैंने आपको ज्वाइन कर लिया तो मैं उन खबरियों तक पहुंच सकता हूं। मैं आपसे मिला, आपके लिए काम करने लगा सर, आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने लगा ताकि मैं आपका भरोसा जीत सकूं, अपनी सेफ्टी का बहाना बनाकर आपसे उन इन्फॉर्मर्स के बारे में जानने की कोशिश की। मैं कैसे भी उस लिस्ट तक पहुंचना चाहता था जिसमें उन इन्फॉर्मर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन थी। फिर वो ऑनलाइन ऑफर, वो पेन ड्राइव, पवन की मौत, और मैंने अपना बदला पूरा किया सर, पूरा किया अपना बदला। पवन के बाद तुमने अजीत को क्यों मारा, और शिखर से पैसे लेके तुम कुणाल को क्यों मारना चाहते थे? पैसों के खातिर। पवन के तलाश के दौरान मुझे एहसास हो गया कि मेरे जैसे कई लोग हैं जो इन खबरियों से बदला लेना चाहते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर क्या था, मैंने वैसे ही क्रिमिनल्स को कॉन्टेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। इसके लिए मुझे बहुत पैसे भी मिलते थे, और उसमें बुराई क्या है सर? बुरा है या भला वो तो तुम्हें पता चली जाएगा जब जेल जाओगे। रवि, तुमने पैसे कमाए और मैंने भरोसा कमाया। मेरा भरोसा तो काम आया, लेकिन तुम्हारे पैसे अब तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।